Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जब इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना वाड़ा सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका रिस्पांस कैसा है और आप सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों के लिए? देखिए, अभी लॉकडाउन है पूरी तरीके से और टैक्सी सर्विसेज ऑन डिमांड हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि लॉकडाउन है पूरी तरीके से और टूरिस्टों का भी आना लगभग ना के बराबर है, तो हम ऐप के ऊपर रिस्पांस नहीं करके हम इसको अपने ईमेल आईडी के ऊपर, अपने व्हाट्सएप नंबर पे, और हमने एक कॉल नंबर भी दिया हुआ है उसके ऊपर जिन लोगों के कॉल आ रहे हैं, जिनको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को हॉस्पिटल के लिए, या कोई और किसी तरह की ऐसी सर्विसेज जहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ हमको लगता है, वहां पे हम उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी एरिया के अंदर, लगभग गोवा के हर एक एरिया के अंदर हमारे यहाँ टैक्सी की कैब्स अवेलेबल है, तो लोगों के रिक्वायरमेंट के ऊपर या प्रायर इंटीमेशन पे हम लोग उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसी अभी ऑलमोस्ट कल की तारीख में भी हमने 67 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी, 67 लोगों को, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे इमरजेंसी कॉज में जाना पड़ गया था। और सैटरडे से हमने इसको स्टार्ट किया था, सैटरडे को भी कुछ लोगों का रिस्पांस आया, वो एक अच्छा रिस्पांस था। तो ये एक इनिशिएटिव है हमारा कोविड के पीरियड में कि कम से कम किसी तरह से लोग उसको अवेल कर पाए। ओके, और ऐसे सुनाई दे रहा है कि सर टैक्सी सर्विस के अलावा जो लोगों को मदद चाहिए था कि दूसरे किस्म की, तो वो किस्म की, किस तरह किस्म की आप मदद कर रहे हो? मतलब खाना चाहिए या फिर कुछ और चाहिए होता है लोगों को, जो टूरिस्ट होते हैं कहीं अटके हुए हैं कि किसी को कहीं जाना है लेकिन उनको जाने के लिए नहीं पा रहे और उन्हें कुछ चाहिए, वो कैसे आप मदद कर रहे हो? देखिए, ये इनिशिएटिव अभी हमने सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट किया है और इसको जल्दी अगले एक दो दिन के अंदर हम गोवा और बाकी जगह भी स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोग निकलने को हैं, बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे भी लॉकडाउन की वजह से खाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग वहां पे खाना लेके जा रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे अगर कोई अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, चाहे अपने घर से या अपने, जैसे अपने गांव की तरफ कोई लोग वापस जा रहे हैं, तो वो लोग बहुत मजबूरी में जा रहे हैं। अगर उनके पास यहाँ पे रहने को पैसा नहीं है, खाने काम नहीं है, कुछ नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, तो वही लोग अपनी जगह से निकल के लॉकडाउन में और कर्फ्यू में अपने घर जाने की, वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले साल तो काफी समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओस काफी आए थे आगे, लेकिन इस बार पैनिक ही बहुत है और सब लोग डरे हुए हैं। मतलब हर आदमी बाहर निकलने से भी डर रहा है, गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन उस दौर में भी हमने कोशिश करी है। कल से हमने दिल्ली में आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो से इसको चालू करा है और अगले एक दो दिन में, अगर आपके यहाँ से हमको परमिशन हो जाती है वो गवर्नमेंट से, तो कदम्बा बस डिपो से और मडगांव स्टेशन से हम ये सर्विस स्टार्ट करेंगे कि हम खाने के पैकेट लोगों को पहुंचाएंगे। उसके अलावा भी अगर किसी को कहीं इलाज में, किसी जगह ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के लिए कहीं कोई जरूरत पड़ती है, तो जो हमारे पास आ रहा है हम लोग अपनी हद में रह के, अपनी लिमिटेशंस के अंदर उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई एनजीओ नहीं है, हमारे पास कोई डोनेशन नहीं है, हम अपनी सेल्फ फंडिंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं।